वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है। जो कि एग्ज़ाम हुआ था ये हमारा 20/2/2024 से लेकर 7/3/2024 तक हुआ था। और इसके जो यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग वेन्यूज़ पे हुआ था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, उनका री एग्ज़ाम होगा। और उसका रीज़न यहाँ पर क्या दिया है, टेक्निकल रीजन्स नोटिफाई इन द रिव्यू ऑफ एफोरसेड एग्जामिनेशन आ नीड हैज़ बीन फेल्ड टू होल्ड आर री एग्जामिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ द सर्टेन वेन्यूज एंड डेट शिफ्ट। तो इसमें सबका री एग्ज़ाम नहीं होगा फ्रेंड्स, ये चीज़ अपने आप को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसमें सबका री एग्ज़ाम नहीं होगा, री एग्ज़ाम उन्हीं लोग का होगा जिनको इसमें अभी आगे हम देखेंगे कि वहाँ पर सेंटर नेम और उसका डेट भी दिया है, शिफ्ट भी दिया है और वेन्यू भी दिया है कि कौन से डेट को कौन से शिफ्ट में कौन से वेन्यू में री एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि री एग्ज़ाम इसमें सबका नहीं होगा, इसमें आपका वेन्यू के हिसाब से, डेट के हिसाब से उसका री एग्ज़ाम होगा। और री एग्ज़ाम हो क्यों रहा है, इसमें कोई पेपर लीक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है इसमें बोला है इसमें टेक्निकल इशू है। अब टेक्निकल इशू कुछ भी हो सकता है डेटा उनका ना हो उनके पास, या फिर किसी तरह से वो लॉस हो गया हो, या फिर डेटा स्टोर ना हुआ हो, तो कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बट इसमें जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो रीज़न दिया है वो टेक्निकल इशू दिया है। और इसका जो री एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वो कौन से डेट को होगा, वो 30/3/2024 यानी 30 मार्च को होने वाला है इसी। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आई थिंक 25 के बाद आ ही जाएगा, इसका 2-4 दिन रह जाएगा तो उससे पहले पहले आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन एट अ रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इस पर आप जाके वेबसाइट पे आप विजिट करके और आगे का अपडेट्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखें नोट भी दिया है, ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर इन CBT। इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ये नहीं सोचेंगे बच्चे कि जो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं या एब्सेंट हो गए किसी रीज़न से, वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, वो बच्चे फिर से एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे जो कि इसमें जिन सेंटर में उनका सपोज़ दैट आपका कहीं सेंटर पड़ा हो और आपने उस एग्ज़ाम को उस दिन आप नहीं देने गए, आप एब्सेंट हो गए और आप सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है, तो सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे उस दिन एबसेंट थे किसी रीज़न से वो फिर से उस एग्ज़ाम में, या अगर उस सेंटर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उस सेंटर में वो बैठेंगे, वो बच्चे नहीं अलाउड होंगे। इसमें साफ साफ ये नोट दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर इन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फॉर कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF SSF एंड राइफल्स GD इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय द कमीशन, ये 20 तारीख से स्टार्ट होकर 7/3/2024 तक हुआ था, वही कैंडिडेट्स री एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। यहाँ से आप जाएंगे वहाँ पे, आप नोटिफिकेशन में तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एलन हाउस इन्फॉर्मेटिक सेंटर, रीजन यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे सिटी बताया है कानपुर, कौन सा डेट है 5/3/2012, कौन से शिफ्ट का भी देखिए। ये नहीं कि इस अब यहाँ पे जिसका सेंटर पड़ा है उनका सबका री एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। कौन से शिफ्ट का है, तो सेकंड शिफ्ट का है, और इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं 126, तो उन्हीं बच्चों का सिर्फ होगा। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है एलन हाउस इन्फॉर्मेटिक सेंटर कानपुर का 7/3/2024 को ये एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम जो होगा वो कैंसिल है और उसका री एग्ज़ाम होगा। और इसमें कितने बच्चे बैठे थे, 132 बच्चे इसमें होंगे। नेक्स्ट हम ऐसे ही देखेंगे, इसमें अलग अलग लिस्ट है फ्रेंड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लखनऊ का है, लखनऊ का ये सिटी लॉ कॉलेज, इसमें जो है 6/3 को ये एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा, 220 कैंडिडेट्स हैं इसमें। नेक्स्ट हम ऐसे ही देखेंगे, आप एक बार इसको साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, ऐसे आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी रीज़न है। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये MIT मेरिट का है, तो ये मेरिट में यहाँ पे 6/3/2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 4 तारीख, फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, 149 कैंडिडेट्स हैं इसमें बैठेंगे जो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग रीज़न का अलग अलग है, ये देखिए लखनऊ का यहाँ पे फिर से आ गया सिनको लर्निंग सेंटर जो था,
था ये 6/3/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है और इसमें 166 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे जिनको अलाउ किया जाएगा। तो ये थी आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा और आप प्लीज़ चेक करिएगा आपका एग्ज़ाम है या नहीं, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम है या फिर नहीं। आई होप वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी एंड वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, मैंने बिल्कुल भी इधर उधर बात नहीं किया, मैंने सीधे नोटिफिकेशन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं क्रिस्टल क्लियर बता रखी हैं, तो आपको सब इधर उधर अफवाह की बातें नहीं माननी है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, इसमें आपका मतलब उन्हीं बच्चों का होगा जिनका इसमें दिया है, क्योंकि इसमें यही दिया है कि टेक्निकल इशू की वजह से वो कुछ एग्ज़ाम्स को री एग्ज़ाम करा रहे हैं, कुछ ही बच्चों का एग्ज़ाम होना है इसमें, तो इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी।